कि भाई राम सिंह तेरा यार पत्र आया घर से, अरे यार इधर तो आ नहीं सकते, तू पढ़ के बता दे क्या है। अरे एक ही मग में चाय पीना, उसी मग में दारू भी पीना और इंजॉय भी करना, ऐसा नहीं खुश रहना। थाली में मार दी, वो बोला तेरी थाली फोड़ूंगा आज, तू दारू नहीं पी रहा। मैं कहा यार मैं नहीं पीऊँगा, तुम्हारा मैं नमकीन बना दूंगा, हैं वो सलाद काट दूंगा, तुम्हारे लिए रम की व्यवस्था वो जहाँ बट रही है वहाँ से यहाँ तक ला दूंगा, तुम्हारा खाना थाली में ही वहीं टेंट में ही ला। भैंस भी आ गई है, वो कटड़ी बछड़ी ले आई है, सब समाचार मिलते रहते थे। हाँ तो आपके ठाठ हैं, ना कोई आपको कहने वाला है ना कोई बोलने वाला है, आपको बोलने की भी पूरी आज़ादी है, आपको घूमने की पूरी आज़ादी है। वहाँ पे तो बस एक इरादा होता है फौजी का कि उस तरफ से क्या हरकत हो रही है, हरकत को देखते रहो। न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं सिरसा के चोपटा के यहाँ मौजूद हूँ और आज मैं एक नई स्टोरी लेकर के आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप जिस शख्स को देख रहे हो ये इंडियन आर्मी से सूबेदार की पोस्ट पे रिटायर हुए हैं, बलवीर बेनीवाल जी। आपको जो मैं स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ वो स्टोरी एक फौजी पर आधारित है कि असल में जो एक फौजी का जो जीवन होता है, जब वो ड्यूटी पर होता है तो उसका जीवन है वो कैसा होता है और बाद में वो कैसा महसूस करता है, इसी विषय को लेकर के हम जो स्टोरी है ये बनाने जा रहे हैं। इस स्टोरी के बारे में आपका क्या कुछ मानना है, आप हमें कमेंट भी करते रहें। हाँ जी फौजी जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं सुबेदार बलबीर जी, ईएमए से रिटायर हुआ हूँ जी और मैं 28 साल सुबेदार की सर्विस पूरी करके प्लस 2 साल केंद्र सरकार की बड़ी होती है ऑप्शन होता है तो 2 साल और की 30 और 2 साल और किया। हम ईएमई अप्रेंटिस बॉयज़ में 19 साल से पहले ही भर्ती हो गए थे, यानी 17 साल 4 महीने में भर्ती हो गए। 32 ईयर्स हम पूरा सर्विस करके आए आर्मी में। फौजी साहब, पूरा देश सो रहा होता है, ऐसे में आप जो है पहरा देते हो, कहीं ना कहीं सीमा सुरक्षा और सहयोग की जो भावना एक फौजी में जो देखी जाती है, असल में हम कहेंगे कि फौजी ही वो होता है जो दुनिया सो रही होती है, फौजी रखवाली है, अपने देश की करता है। ड्यूटी के दौरान आप घर से बहुत दूर रहते हो, ऐसे में क्या कुछ एक फौजी का जो जीवन है उस जीवन पर आप प्रकाश डालें, कैसा जीवन होता है एक फौजी का? जी, आपने जब सुरक्षा की बात के ऊपर ही की तो चलो मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश के ऊपर 2 बड़ी बॉर्डर लाइन है जी। एक तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जी। ये है भारत और पाकिस्तान के जी। जो सीमाएं हैं आमने सामने उसको बोलते हैं LOC। उसके बीच में गैप जो है 5 से 7 किलोमीटर का ही है बनावटी जी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम में तब हमारी ये सीमा बनी है, उसको बोलते हैं LOC जी। और LAC होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जी। ये लगती है हमारी चीन के साथ बॉर्डर, वहाँ बफर स्टेट या बफर एरिया जिसको बोलते हैं गैप है 27 किलोमीटर दूर से लेके 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का आजकल है, कुछ क्लोज होगी तो ये है। वहाँ की जो चौकसी है वो तो आप सोच नहीं सकते, बहुत लंबा आपको मुझे बताना पड़ेगा और वीडियो बहुत लंबा करना पड़ेगा। नहीं, असल में जो एक फौजी का जो जीवन होता है हाँ। कैसा जीवन होता है, क्या कुछ वहाँ की जो फीलिंग होती है, क्या कुछ महसूस किया जाता है, एक काफ़ी दूर आप जब घर से चले जाते हो जी, रियल लाइफ क्या होती है वहाँ की?
अब मैं दो टुकड़ों में करूंगा। एलओसी पे हमारी क्या जिंदगी होती है एक फौजी की जी। और एलएसी पर क्या होती है। पहले एलओसी पे ले लो जी। जैसे कि आपको पता है कि हमने वहाँ कटेदार तार बना रखी है, कटेदार तार के साथ साथ हमने बहुत बड़ा बांध बना रखे हैं जिससे कि उधर की सेना की हिट ना करे हमारे को गोली जी जी। उसके पीछे या हमने भी बड़ा अच्छे से पोस्ट बना रखे हैं हमारे हैं ऑब्जर्वेशन पोस्ट को छोड़ करके जी। वो ज़्यादातर हमने बांध बना रखा है जी। और बांध के आके बड़ी नहर है, मजबूत हमारा है जी। पहरा है जी। और उधर से टैंक भी नहीं गुजर सकते जी। लेकिन एक सैनिक की जो चौकसी है उसको तो आप सोचो मत। हमें खेतों से तंग रास्ते से जा कर के और हमारे जो सैनिक हैं वो 24 घंटे यूं आपने कभी सुना होगा स्नाइपर 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 या जो एलएमजी है या जो छोटे हथियार हैं और जो है ना बस एक इरादा यूं होता है यूं रखते हैं कैसे आ जाए नींद। आपने थोड़ा सा सिर यूं किया तो दड़ाम से आपके ऊपर गोली हिट हो सकती है जी। इतना ज़बरदस्त होता है जी जी। तो देख लो आप यहाँ तो आपके ठाट है ना, कोई आपको कहने वाला है ना कोई बोलने वाला है। आपको बोलने की भी पूरी आज़ादी है, आपको घूमने की पूरी आज़ादी है। वहाँ पे तो बस एक ही इरादा होता है फौजी का कि उस तरफ से क्या हरकत हो रही है, हरकत को देखते रहो और उसी हिसाब से एक्शन तुरंत लेना है सब कुछ जी। तो ये है। और आपको मैं मजाक में कई बार बताता हूँ, हम तो चलो एक्टिव में रिपेयरिंग में रहते थे लेकिन हमारा क्लोज रिलेशन रहता है, इन्वेंट्री आगे रहती है। तो हमें सुनने को मिलता था कि रात हो गई, 4-5 किलोमीटर का बीच में जो जंगल का इलाका होता था हमारा भी बांध होता है, कांटेदार तार हो गई अभी तो उस तरफ भी बांध होते हैं बीच में सुनसान एरिया में। तो उस सुनसान एरिया में जंगल हो गया, जंगल में तो तरह तरह के जंगली जानवर आएंगे। तो फौजी जो ही थोड़ी हरकत हुई दड़ाम से गोली चला देगा। हम क्यों चलाते हो गोली, हो सकता है कोई उस बेटिया आ गया हो। फिर सुबह जब ज़रा लाइट होगी, फर्स्ट लाइट धीरे धीरे रैंक करके सुप करके हम जाके देखेंगे कि ये तो घुसपैठिया नहीं, यहाँ तो जंगली जानवर या जंगली सूअर मार दिया जी। तो जंगली सूअर भी मार देते हैं, जंगली जानवर भी मारे जाते हैं। तो देख लो कितना ये मजबूत। साहब एक बात और बताओ, आप जैसे एक ही मूवमेंट में आप खड़े रहते हो, मैंने कई दफ़ा कई जगह पर देखे है, एयरफोर्स पर मैं देखता हूँ कई बार फौजियों को कई दफ़ा देखता हूँ, एक ही मूवमेंट में खड़े रहना, ये इतना जो संघर्ष है ये कैसे हो पाता है, क्या इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग दी जाती है जी? अब वो तो मोटे तौर पर तो ये बोलो कि ये हमारी प्रैक्टिस है जी। लेकिन इसी का नाम तो ट्रेनिंग है जी। पहले भारतीय सेना में पहले मजबूत एक एंड्योरेंस ट्रेनिंग दी जाती है फिजिकल जी। फिर मेंटल जी। फिजिकल मेंटल फिजिकल मेंटल इस तरह से कि आर्मी में तैयार कर दिया जाता है कि वो किसी भी परिस्थिति में फिजिकली और मेंटली ऐसा तैयार रहे। यानी हम कह सकते हैं कि आर्मी जो सिलेक्शन होता है जब हाँ। शारीरिक और मानसिक रूप से पहले मजबूत उसको तैयार किया जाता है। हाँ जी, भर्ती होने से पहले नहीं, भर्ती जो ही हो जाएगा तो उसको ट्रेनिंग सेंटर में भेजेंगे ना जी। आजकल तो थोड़ा सा पॉपुलेशन ज़्यादा होने का कारण से स्क्रीनिंग हो रही है, तो पहले ही उसको भाग दौड़ करके स्क्रीन आउट करके तो ये प्रोसीजर बनाया गया है। लेकिन पहले तो फिजिकल ट्रेनिंग इतनी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट कम थी तो तुरंत लग जाते थे। सन 78-80 तक तो मुझे पता है जी। जब हम भर्ती हुए तो कोई भागदौड़ नहीं होती थी जी। बस पैरामीटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हुए, फिजिकल पैरामीटर पूरे हुए और आपका एक सिंपल सा टेस्ट हुआ और आप सिलेक्ट हो गए जी। तो लेकिन अब तो भर्ती सेंटर में यानी ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग जगह पे जाके एक रिग्रेस ट्रेनिंग होती है जी। बेसिक ट्रेनिंग
उसके बाद उसका क्या ट्रेड है, क्या काम है उसके ऊपर। और ये तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये कंटिन्यूएशन है आर्मी का। आप तो ऐसे सोच रहे हो कि यार आर्मी वाले क्या करते होंगे, ये कंटिन्यूएशन है। कोई ऐसा दिन नहीं जब ट्रेनिंग वो अपनी नहीं करता है। उसका एक अपना ट्रेनिंग शेड्यूल है पूरे साल भर के, वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यूएशन करते रहते हैं कि हमें लड़ाई कैसे लड़नी है, किस सिचुएशन में लड़नी है। तो मेंटली और फिजिकली तो तैयार रहना ही पड़ता है और रहते हैं जी। काफ़ी लंबा समय हो जाता है जब घर वालों से बातचीत आपकी हो नहीं पाती जी। हाँ, हम आपने वो दौर देखा है। तो ऐसे में दिल के अंदर, मन के अंदर क्या कुछ रहा होगा उस समय जब आप ड्यूटी पर थे, घर वालों से आपकी अक्सर बातचीत हो नहीं पाती थी जी? ये तो आपने बहुत अच्छा कहा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप सीमित समय में। बट मैं इन्हें शॉर्ट में ये बोलता हूँ कि उस समय भी हम खुश थे जी। जब हम फील्ड में जाते थे जी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अंतर्देशीय पत्थर या लिफाफे होते थे जी। लेकिन हमारी सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा वो सेंसर होकर के आता है कि कोई सिक्योरिटी का ऐसा पॉइंट घर वालों को ना बता दे। हम सिक्योरिटी के मामले में बड़े सख्त होते हैं आर्मी वाले। एक भी पिन भी कहीं कोई भी ये ना बताए कि हम ये ऐसा करने जा रहे हैं। बस यही बताएं कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं छुट्टी इस टाइम आऊँगा, एक महीने बाद आऊँगा, दो महीने बाद आऊँगा। पत्र लिखते थे, आपका पत्र मिला, इस तारीख का पत्र मिला, माताजी को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद। सिर्फ हम यही लिखते थे कि मैं ठीक ठाक हूँ, हैं, तुम्हारा पत्र मिल गया इस तारीख का। फिर घर से पत्र, यानी जो एक्चुअल में आपकी जो स्थिति होती थी वो आप घर वालों के आगे शेयर नहीं करते थे? नहीं, कुछ ना ही शेयर करते थे, ना ही गुप्त होता था ये सब। गुप्त होता था बस। हम इतना बोल सकते थे कि हम अब इस तारीख को छुट्टी आएंगे। वो छुट्टी आगे पीछे भी हो सकती थी जी। वो हमारा मैनेजमेंट होता है जी। तो छुट्टी आगे पीछे भी, इस तारीख को हम छुट्टी आने की उम्मीद है, हम आएंगे जी। और घर वाले भी फिर जवाब देते थे कि तुम्हारा ये पत्र मिला जी। और घर में बारिश हो गई है, भैंस भी आ गई है, वो कटड़ी बछड़ी ले आई है, सब समाचार मिलते रहते थे हाँ। और इस तरह से हमारा रूटीन चलता रहता था। 7 दिन में हमारा पत्र जाता था, 7 दिन में आता था जी जी। तो ये था। और देखो जब हम ऊपर पहाड़ियों पर ऐसे दुर्गम स्थल पर कई कई बार नहीं चढ़ पाते तो हम ऊपर बैठा हुआ को टेलीफोनिकली बताते थे फ़ोन से कि भाई राम सिंह तेरा यार पत्र आया घर से, अरे यार इधर तो आ नहीं सकते, तू पढ़ के बता दे क्या है। बोले भाई माँ बाप ठीक ठाक है, चिंता मत करना हैं, बारिश अच्छी हो गई है और तुम कब आओगे पूछ रहे। बता दो जी 4 महीने बाद आऊँगा, मैं ठीक ठाक हूँ, पत्र लिख दो। तो पत्र लिख देते थे। अच्छा, आप एक दूसरे का सहयोग भी करते थे? अरे एक ही मग में चाय पीना, उसी मग में दारू भी पीना और इंजॉय भी करना, ऐसा नहीं, खुश रहना, सब कुछ होता था। तो फौजी साहब आपने तो मेरे ख्याल से कभी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया होगा? नहीं, ये मैंने कभी बीड़ी, सिगरेट, पान, मसाला, तम्बाकू, दारू और चाय से भी कोई ज़्यादा हमारा परहेज नहीं है। हम अच्छे फिजिकल फिट रहे। नहीं, आपके साथ एक बार जो वाक्य हुआ था, कई बार गांव में चर्चा चलती है उसकी, वो आपके साथ क्या हुआ था, आपके मित्र ने क्या कर दिया था आपके? वो ऐसा था कि हमें दारू से कोई एलर्जी नहीं, ना ज़्यादा पीने वालों से, हमें वो उनका इंजॉयमेंट होता है, हर आदमी का ऑप्शन होता है। वो आर्मी में पैक मिलते हैं दवा दारू के तौर पर, एक या दो पैक दिए जाते हैं। तो हम फील्ड में जाते हैं, टेंट लगा के रहते हैं, तो एक टेंट में 3-4 रहेंगे। तो मैं जूनियर था तो शाम को ज़रा महफिल जमती है खाना खाने से पहले, और खाना आता है तो बस ज़रा इंजॉय भी होता है। तो ज़रा पैक सैक लगाने शुरू की हमारी पार्टी ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे थोड़े सीनियर थे तो उसने थोड़ा सा जो नशा सा हुआ, बलवीर यार तू भी पी ले। मैंने कहा भाई मैं नहीं पीना। नहीं यार,
उसने स्क्रू ड्राइवर था इलेक्ट्रिशियन बाई ट्रेड था इलेक्ट्रिशियन, मेरी थाली में मार दी। वो बोला तेरी थाली फोड़ूँ आज, तू तू दारू नहीं पी रहा। मैं कहा यार मैं नहीं पीऊँगा तुम्हारा, मैं नमकीन बना दूँगा हैं, वो सलाद काट दूँगा तुम्हारे लिए, रम की व्यवस्था वो जहाँ बट रही है वहाँ से यहाँ तक ला दूँगा, तुम्हारा खाना थाली में ही वहीं टेंट में ही ला। मैं सहयोगी बनकर आपके साथ बैठ सकता हूँ? हाँ साथ बैठूँ, फिर भी मेरा बहुत कोशिश किया, उन्होंने थाली जो है ना उसमें छेद तो नहीं हुआ लेकिन निशान हो गया। वो थाली मैंने अभी भी रखी है घर पे, परिवार को बताता हूँ, खासकर वाइफ को बताता हूँ। दिल के सच्चे रिश्ते होते थे, बड़ा प्रेम प्यार बड़ा लगाव था। मैंने कहा कि हवलदार राम स्वरूप ने ये कोशिश की थी देखो थाली फोड़ने की, और फूटी नहीं है थाली, वो थाली है तो बहुत खुशी होती है, हमारा जीना मरना होता है। ऐसा थोड़ा ही है कि हम आजकल के भाई सड़क पे एक बंदा गिर गया एक्सीडेंट हो गया और उसको तड़पते कोई पूछता नहीं, जीना मरना होता है। हम अगर वो उसमें थोड़ी बहुत जान है सांस है, आ रही है तो हम उसको लड़ाई के मैदान में भी जहाँ तक चाहे हमारी ज़िंदगी चली जाए लेकिन उसको फर्स्ट एड दे करके बाहर आना होता है। ये हमारे संस्कार हैं आर्मी के और फौज के, हम एक दूसरे से बंधे होते हैं, हम जीवन भर एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, उसूलों पर बंधे होते हैं। ओ जी, जीना मरना एक साथ होता है। थैंक यू, वही हमारा घर परिवार होता है। थैंक यू फौजी साहब, आपने समय दिया। स्टोरी तो बहुत है लेकिन फिर कभी मिलेंगे। राम राम। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। फौजी साहब ने तमाम जो एक आर्मी का जो पर्सन होता है, एक इंडियन आर्मी का एक फौजी होता है उसका जीवन कैसा होता है, इन तमाम बातों पर फौजी बलवीर ने अपना प्रकाश है वो डाला है। और कहा भी जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में सदाचार नहीं है, निर्धन के लिए दिल में भरा प्यार नहीं है, आता नहीं है जिसको इस देश पर मरना, उस व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। फौजी साहब की बातें कुछ इसी ओर इशारा कर रही थी और हमने ये विशेष स्टोरी, जब भी बलवीर जी हमें मिलते हैं इनसे मिलकर के हमें बहुत खुशी होती है, बहुत ही हंसमुख इंसान है। और एक फौजी होता है, कोई भी फौजी हो, बड़े हंसमुख चेहरे होते हैं इनके। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लगातार ऐसी ही पॉजिटिव स्टोरी लेकर के मैं आपके बीच में फिर हाजिर रहूँगा, तब तक आप हमारी टीम को इजाज़त दें, लगातार देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। कैमरा सहयोगी राहुल के साथ मैं विक्रम इंदौरा, सिरसा हरियाणा।